हेलो हाँ आखना में आपको लगी है कहीं? आपका नाम क्या है? इसे क्या सब ठीक है ना? अपने लगी किसे लगी ना किसे देख रहे हैं कि चक्का बहुत चल रहा है। वहाँ मेडिकल टीम बैठी है मौके पर, तो जहाँ पर अभी चक्का चल रहा है। नमस्कार, एक बड़ी खबर उधमपुर के चनैनी इलाके से आ रही है। जो आपने मोबाइल स्क्रीन पर जो विजुअल देख रहे हैं, ये विजुअल है एक फुट ब्रिज जो है वो कोलैप्स हुआ है। जबकि बैसाखी का मेला आप देखते हैं, आज का दिन एक सांस्कृतिक यानी कि देश की परंपरा है और बैसाखी जिस तरह से पूरे देश में हर्षोल्लास से मनाई जाए, उसी के चलते कई सारे लोग जो जनता थी उस फुट ब्रिज पर थी, जिसके चलते वो फुट ब्रिज जो है उसका वजन यानी कि नहीं सह पाया, जिसके चलते वो कोलैप्स हो गया। और ये बताया जा रहा जानकारी जो सूत्रों के आधार पर हम तक पहुंच पा रही है, वो जानकारी ये है कि इस ब्रिज के कोलैप्स होते ही वहां पर अफरा तफरी का माहौल हो गया। लोग वहां पर भागते चीखते चिल्लाते नजर आए। वहीं पर जो खबर हम तक आ रही है बताना साझा करेंगे आप तक कि लगभग 30 से 35 लोग इस कोलैप्स से ब्रिज कोलैप्स में जख्मी हुए हैं। और वहीं पर अगर बात करें एक 5 से 6 से 7 साल की बच्ची जिसे दिमागी तौर पर काफी गहरा सदमा पहुंचा है इस हादसे को देखकर, फिलहाल 4 लोगों को चनैनी से उधमपुर हॉस्पिटल रेफर कर दिया गया। फिलहाल कोई भी यानी ये कहेंगे कैजुअलिटी की खबर नहीं आई है। ये कहा जा रहा है कि लगभग 30 से 35 लोग जो थे उस हादसे में यानी कि जख्मी हुए थे, पर जो गंभीर तौर से जख्मी हुए थे उन्हें फिलहाल उपचार के लिए चनैनी से हॉस्पिटल यानी कि ये कहेंगे उधमपुर हॉस्पिटल पहुंचाया गया। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर ये जो पुल था इतना कमजोर था कि कुछ लोगों के खड़े होने पर ये पुल यानी फुट ब्रिज था वो कोलैप्स हो गया। एक बड़ी घटना भी हो सकती थी, कई लोगों की जान भी जा सकती थी। समय पूरा जो सवाल है उस समय का, जो लोगों ने ये जिसके माध्यम से ये पुल बनाया गया था, जिन डिपार्टमेंट जो कंसर्निंग विभाग था या प्रशासनिक अधिकारी थे उस समय, क्या उन्होंने जब ये पुल इस तरह के पुल या ब्रिजेस बनते हैं क्या उनकी जो मटेरियल यूज किया जाता क्या उसकी पूरी तरह से जांच होती है, या कहीं ना कहीं अपने भाई भतीजे के चलते कॉन्ट्रैक्ट दिया जाता है उसके बाद वो जाने उनका काम जाने। पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ा सवालिया निशान खड़ा हुआ है कि आज जिस तरह से फुट ब्रिज जो कोलैप्स हुआ उधमपुर के चनैनी इलाके से, एक बड़ी घटना हो सकती थी, कईयों की जाने भी जा सकती, एक चिंता का विषय गंभीर जो कि घटना हुई है और कहीं ना कहीं दुखद समाचार है। कि फिर भी एक बात जरूर कहेंगे कि शुक्र है उस ऊपर वाले का अभी तक कोई भी कैजुअलिटी की खबर नहीं आई। पर हाँ ये जरूर कहना चाहेंगे कि जो विजुअल आप फिर से आप अपनी मोबाइल स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये विजुअल है उधमपुर के चनैनी इलाके के जहां पर बैसाखी का मेला देखने उमड़े लोग, पर वहीं पर जिस फुट ब्रिज पर वो लोग खड़े थे वो एकदम से वो फुट ब्रिज जो कोलैप्स हो जाता है और लगभग 30 से 35 लोग जख्मी होते हैं, जिनमें से 5 लोगों को चनैनी से जो कि हॉस्पिटल है उधमपुर हॉस्पिटल रेफर किया जाता, जिसमें एक 6 से 7 साल की बच्ची भी बताई जा रही है और जिसे मानसिक तौर पर काफी इस घटना का जिसके दिमाग पर गहरा असर हुआ है। फिलहाल अभी तक ये बड़ी खबर, पर शुक्र है कि कोई बड़ी घटना होने से अनहोनी होने से बची, कई लोगों की जाने भी जा सकती थी। पर सवाल यह रहा कि क्या इस जो ब्रिज है कोलैप्स होने में जिन लोगों का बनाने में हाथ था, जो वो उस समय जो प्रशासनिक अधिकारी थे जिस डिपार्टमेंट के अंतर्गत ये पुल बनाया गया, जिन लोगों को ये कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, क्या लगता उन पर अब जांच होगी, क्या उन पर कार्रवाई होगी, क्या तथ्यों को खंगाला जाएगा, आखिर किस तरह से ये ब्रिज था फुट ब्रिज था कोलैप्स हो गया, एक बड़ा सवाल या निशान। अपने कमेंट अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए, इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय जवाहर।